हाँ पता है। अरे मज्जा बैठे रहे बैठे रहे, मज्जा बाहर गर्मी है, तुझे नहीं लूंगी भले। हे गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हे गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं खेत, क्योंकि आज हम सबका वहाँ डिनर है, मतलब सबका शाम का खाना वहीं, पार्टी काइंड ऑफ, छोटी सी पार्टी टाइप होगी ये, गेट टुगेदर वाला जो भी हो। मतलब ऐसे था कि सब आए हुए हैं, सब तो नहीं है बट फिर भी कुछ कुछ मेंबर्स नहीं हैं, कुछ कुछ मेंबर्स नहीं है। तो आज सोचे कि वहीं खेत में ही खाना बनाकर खाएंगे। तो आज हम लोग के यहाँ वहाँ बनेगा मटन, तो अभी हम लोग आए हैं मटन लेने, भैया और मामा गए हैं मटन लेने और मैं और मुमू वेट कर रहे हैं। बाकी बिट्टू दीदी, चिंटू भैया, मामी और नानी वगैरह आएंगे थोड़े देर से, हम लोग पहले जा रहे हैं और मम्मी पापा ऑलरेडी वहाँ खेत पे हैं। तो हम लोग पहले ही जा रहे हैं बर्तन वगैरह लेके, मटन वगैरह लेके तैयारी करते रहेंगे। और मैंने आज सोचा है कि आज तो मैं रील बना के रहूँगी, बस कोई बनाने वाला हो, ये लोग तो बनाते नहीं, इन लोगों के इतने नखरे रहते हैं यार, किस चीज़ का शेड पड़ रहा है। हो गया मोमो, बंद कर दिया है। इतना कैमरे से भागता है ना ये, कैमरे से क्यों भागता है, सच्ची सच्ची रीजन देना। बंद कर फिर बताऊंगा। नहीं अभी बता, बंद कर फिर बता, उन लोगों को भी जानना है, बता बता ना, ऐसी बंद कर बाद बताऊंगा। अगर ये बात बताए तो कहीं सुबह भी अचानक आएंगे फिर घर दलवाने लगेंगे ना, इसीलिए। हम लोग खेत पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी से सारा सामान निकालेंगे खाना वाना बनाने का। ये देखो ये जी। दो कोई हल्का सा सामान दे दो, जाऊं मैं ऐसी। मुझे जिम्मेदारी मिला है इसको अंदर रखने का, तो मैं इसको अंदर रखने जा रही हूँ। हम लोगों ने अंदर सामान रख दिया है और भैया लोग, भैया और मामा गए हैं कुछ कुछ सामान लेने। कहाँ गए हैं यार? किधर? अच्छा गाड़ी लेके इधर साइड गए, मुझे लगा सामान लेने गए, मम्मी कह रही थी। तो और मैं और मोमो भी जा रहे हैं इधर साइड रील बनाने, कल आए थे तो रील नहीं बना पाई थी, ये लोग भाग गए थे मेरे को छोड़ के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर साइड रील बनाने, वो भी फोकट का नहीं बना रहा है, उसको मैंने किसी चीज़ की लालच दी है, तब वो जाकर रेडी हुआ है। जगह ढूंढ रही हूँ यार, किधर जाकर बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा, हर तरफ तो खाली लैला में लैला, इट मीन्स केला। किधर बनाऊँ यार, यहाँ अच्छा लगेगा क्या इन केलों के बीच में? बढ़िया है, एक बना लेती हैं फिर देख लेना अच्छा है कि नहीं। हाँ पहले जा तू खड़े हो, मैं तेरे को देखती हूँ पहले एक बार। अच्छा, नीचे जाके? हाँ नीचे जाके बनाएंगे, इनके बीच में, इस लाइन के बीच में बनाने का सोच रही हूँ, देख लेती हूँ। वीडियो में तो अच्छा ही दिखेगा मेरे हिसाब से। पन्नी में नहीं तुम भी ना, देख लेती हूँ तुम भी ना बताओ। इस जगह पे मैं आई थी बनाने, लेकिन यहाँ ग्रिप नहीं बन पा रहा है, चप्पल बड़ा फिसल रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको उस वाले जगह पे लेके जा रही हूँ। वहाँ चल, वहाँ पे जो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा डांस वाला रील है वो वहाँ बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो बन ही नहीं रहा है जैसे मैंने बताया। तो ये वाला रोड भी बहुत अच्छा दिखता है। एक हाथ रील तो केलों के बीच में घुस के ज़रूर बनाऊंगी, मतलब केलों के पौधों के बीच में, पन्नियों के बीच में अच्छी लगूंगी मैं तो। चलो ये वाला जगह मैंने चूज़ किया रील बनाने के लिए, और जहाँ तक कि मैं चाहती थी कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन पहला डिस्टर्बेंस आ चुके हैं। जूम करके दिखा, मेरा पिताजी। हाँ ये मेरा कैमरा मैन है, लेकिन ये फ्री का नहीं है, इसको मैंने लालच दिया है, नहीं तो घंटा ये कूलर के सामने से नहीं हट रहा था। आप कहाँ घूम रहे हो? औरतों को देखने गए थे मेरे पिताजी, औरतों को देखने गए थे, छेड़ने गए थे। चलो जल्दी जाओ, यहाँ से रील बनाना है, जाओ 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 जल्दी जाओ। चल एज यूजुअल, हमेशा की तरह मेरे पास फ़ोन रखने के लिए, गाना बजाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये दिखा इस पर रख दी। और ये पता नहीं इसमें इतने सारे कप क्या चीज़ के, और ये क्या चीज़ का मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, ये क्या है यार? ये पौधा आया था ना उसके, तो इसी में आया था क्या? ओके ये पौधा वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें ये लोग पता नहीं कब ठूस ठूस के रखे हैं, और कप के अंदर चाय था, कप के अंदर चाय, अच्छा, कप के अंदर चाय था, चाय है, चाय के साथ। चल जल्दी जल्दी रील बनाते हैं, सूरज ढलने वाला है। इस वाले जगह पे भी बड़ी मुश्किल से शूट हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है शूट करने में,
आई गेस इसको ढंग से रिकॉर्ड करना नहीं आता। रिकॉर्ड कर ले रहा है बट जो जैसा मैं खोज रही हूँ वैसा नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि ये कभी रिकॉर्ड करता नहीं है। उस दिन तो खेत पे चिंटू भैया रील बना दिया था, चलो उनको आइडिया है थोड़ा, इसको आइडिया नहीं, इसको धीरे धीरे मैं सिखा दूंगी रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब ये वाले जगह से उठ कर उधर जा रहे हैं दूसरे साइड, और सूरज भी ढली जा रहा है। मात्र दो ही रील बना है, एक ढंग से बना हो, दूसरा तो ढंग से बना भी नहीं है, पर देखा जाएगा। दो है तो उसमें से जोड़ जाड़ के कुछ अगर अच्छा बन गया तो बन गया। अब हम लोग यहाँ रील बनाने का सोच रहे हैं, ये वाला जगह लूंगी मैं यहाँ पे। चला जा जल्दी, आ जा आराम से उतरना, एक रील यहाँ है, जल्दी आ जल्दी। एक चीज बताऊं, हाँ यहाँ पे सांप वाप आते रहते हैं, सांप आएगा तो हम लोग भागेंगे, भागेंगे काट लेगा तो कहीं भाग पाएंगे यार। ये जगह ठीक है, ऑन कर, चल चल चल। इस वाले जगह पे हम लोगों ने रील बना लिया, यहीं पे बैठ बैठ के मैंने बनाया। और ये कमीना मेरे को पूरे टाइम डराता रहा कि यहाँ सांप आता है सांप आता है, थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन इसको ऐसा दिखाई नहीं, क्योंकि मैं डर जाती तो ये भी बोलता कि चलो यहाँ से। तो हम लोग को लगभग आधा घंटा लग गया, और आधे घंटे में सूरज भी डूब गया। दिखा रहे सूरज, ये कैसे पकड़ा है ब्लॉक, सीधा कर, दिखा रहा है। हाँ देखो सूरज पूरा डूब चुका है, और अब पहले जैसा नहीं आ रहा है मौसम, यहाँ का मस्त इधर का ऑरेंज दिख रहा है, दिख रहा है ना ऑरेंज, हाँ इधर का ऑरेंज दिख रहा है, इधर का ब्लू दिख रहा है, इधर का पिंक दिख रहा है। यहाँ का वेदर पता नहीं, यहाँ हम लोग खेत में जब भी आते हैं यहाँ से वेदर बहुत अच्छा दिखता है। आज भी मुझे लग रहा था कि काश थोड़ा जल्दी आ जाते तो थोड़ा और रील बना लेती, पर ठीक है जितना बन पाया तो बन पाया, कोई बात नहीं। अभी चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं घर, मम्मी है वहाँ, बाकी सब लोग उधर है, उधर खुदाई चल रही है, JCB की खुदाई चल रही है, और मामा लोग भी वहीं पे हैं। अभी भी चिंटू भैया बिट्टू दीदी मामी नहीं आए हैं, निकल गए हैं बट आए नहीं हैं। तो अभी हम लोग घर चलते हैं, मेरे को बहुत तेज़ पानी प्यास लग रहा है, और यहाँ जब से मैं आई हूँ ना यहाँ थोड़ा आकर मेरे को पानी खाना पीना दोनों ही कम हो चुका है। वरना मैं जब तक रायपुर में थी मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खाती थी और पानी भी दिन भर ही लगभग पीती थी, यहाँ तो मेरा लगभग दोनों ही छूट गया है, बहुत कम कम खा रही हूँ बहुत कम कम पी रही हूँ। तो चलते हैं यार, बहुत प्यास लग रहा है। फिर मैं बोल रही हूँ कि सब लोग यहीं पे हैं तो अपन भी यहीं आ जाएंगे, तो ये मना कर रहा है, तो जाके ही देखते हैं। आ जा चलते हैं, चलो गाइस चलो। खेत तो मैं कभी भी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पूरे ब्लॉग में दिखा पाऊंगी, इतना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि फ्लैक्स नहीं कर रही हूँ। पिछले वाले ब्लॉग में मैं बोली थी ना कि मैं खेत दिखाऊंगी पूरा, तो पर पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, छोटे छोटे जब खेत वाले ब्लॉग आएंगे तो ज़रूर देखना, उसमें मैं लगभग मैं पूरा कवर करने का ट्राई करूंगी, ऐसा पार्ट दिखाऊंगी जब जहां जहां कुछ कुछ लगा रहेगा। जैसे कल वाले ब्लॉग में बताई वहां पपीता लगने वाला है, और यहां जैसे कि केला लग गया है, और यहां भी क्या केला ही लगने वाला है, केला ही लगेगा, और यहां भी केला ही लगेगा ये पूरे वाले एरिया में। तो ऐसे जहां जहां जो जो लगता जाएगा मैं वो दिखाऊंगी, फ्लैक्स नहीं कर रही हूं, समझा, हराम ज़्यादा फ्लैक्स कर रही कहता है, बताना ज़रूरी है लोगों को, आधी आधी जानकारी देके क्यों छोड़ो, फिर लोग कंफ्यूज भी रहते हैं ना, पूछते हैं, इसलिए देना है तो पूरी डिटेल में मैं सब कुछ बता रही हूँ। वो देखो मेरे पिताजी वहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं दिखेंगे कि नहीं, तो दिखाती हूँ रुको, ये देखो चींटी जैसे दिख रहे हैं मेरे पापा, उतने दूर में एकदम चींटी की तरह दिख रहे हैं दूर से, और वो हम लोग को कब से छेड़ रहे थे कि छपरी लोंग। अभी मैं उनको बाजा बजाऊंगी जाकर, हाँ क्लेचर दे दिया, गर्मी लग रहा है, पकड़ इसको, क्लेचर लगा लेती हूँ, बहुत देर से गर्मी लग रहा है। चल यार एक लेचर बड़े काम का है। तो यहाँ मम्मी मटन बनाने की तैयारी कर रही है, लहसुन वगैरह छिल के बाहर पता नहीं किसका इंतजार कर रही है, और इन दोनों, और ये अच्छा प्याज भी काट ली, और दोनों में मटन चढ़ा हुआ है, हाँ उबला दिए जो भी हो। तो यहाँ मेरे पापा मेहनत करते हुए मटन के लिए प्याज काटते हुए, आंसू नहीं आ रहा आपको, नहीं आ रहा, और ये भी काटोगे ना, और बाहर इस मटन के लिए चूल्हा जल रहा है, मैं आपको चलो दिखाऊंगी थोड़ी देर में। इसको तोपते रहेंगे ना, इसको वजह का कितना मानदा बची है, मतलब बहुत कह, मेरे को नहीं आ रहा तेरे ब्लॉग भाई, बहुत क्यों मानदा बची है, मतलब इज्जत बढ़ गई ये वाला। हां मटन बनने के लिए कढ़ाई चढ़ चुका है, तो मेरे पापा यहाँ मसाला भूंज रहे हैं इतनी गर्मी में और गर्म हवा के बीचों में। पिताजी आपको गर्मी लग रहा है, पसीने से बेचारे भीग चुके हैं, फिर भी हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये अंदर लेके जा रहे हो, कपड़ा ला भैया, ये लो मिला, हाँ ये लो। हम लोग कब से इंस्टा की स्टोरी बना रहे थे, छोटा सा बन गया फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद। रस्सा कटोरा ले आओ, एक रस्सा क्यों, मुझे पीस दो, पका नहीं होगा तो फिर रस्सा चखने के लिए, मुझे पीस दो, पीस रहेगा ना नमक का, अच्छा
अरे हाथ जलेगा मेरे, गरम है, गरम लगा यार। अच्छा तू पूरा खा लेती हूँ। हाँ नमक तो है बरोबर, यम्मी लग रहा है यार। जाओ पास आना, ये देखो ना। अरे दो उठ हुए हैं। अच्छा दो है। ए भैया कपल में है, कपल में है, जल्दी आओ। ये देखो ना कपल में है। ये सब करना है तो तुम यहाँ हमारे मम्मी पापा को भी पास आएंगे हम। मेरे मम्मी पापा सब जानते हैं। ये सब करने आए थे। उसको लेके आप प्लीज रखे उसको। वो ब्लॉग बना रही है। हम लोगों का मम्मी पापा सब जानता है, जो करना है कर। ये सब करने आए थे समझे। सबका खाना वगैरह मस्त हो गया और सब बाहर है, उधर दिख नहीं रहे होंगे। सब टहल रहे हैं खाना खाकर और हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब और नींद भी मस्त आ रहा है। ऐसे हवा चल रहा है तो ठंडा ठंडा हवा। अभी सब थोड़ी देर में निकलेंगे, सामान वगैरह पैक कर रहे हैं गाड़ी में, फिर 5-10-15 मिनट से निकल जाएंगे। खाना खा के बहुत देर आराम कर लिए। हाय हाय क्या हवा है। मम्मी पापा बाय बाय। हम लोग गाय बकरी नहीं है। आओ जल्दी। किसको बुला रही है, किसको बुला रही है? क्यों मैं जा रही हूँ? आर यू मैड और व्हाट? हम जा रहे हैं बाय, कल आएंगे। हम लोग घर आ चुके हैं, जस्ट अभी पहुंचे हैं। मैं, चिंटू भैया, मोमू, बिट्टू दीदी, हम लोग एक साथ गाड़ी में थे। अभी लोग आगे आ गए, हम लोग आगे क्योंकि हम लोग पहले निकले थे, हम लोग पहले पहुंच गए हैं। एनी डर आती है यार, ये क्यों ऐसा करती, मत कर यार, मेरे को डर लगता। बाकी लोग पीछे गाड़ी मत किया कर भाई, डर लगता है तो अकेले खड़ी हूँ। 11:30-12 हो रहा है, बाकी लोग पीछे वाली गाड़ी में आ रहे हैं। चल अंदर आ बेवकूफ, अंदर आ।